अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू 242। तो दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग ग्लिच इफेक्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने वीडियोस में। अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं और आप लोग वीडियो में ग्लिच इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट में ऐड करना चाहते हैं, चाहे आप कोई इंट्रो क्रिएट कर रहे हैं उसमें ग्लिच इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटर को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने वो वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है जिसमें आप लोग ग्लिच इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग अपने वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग यहाँ से स्टॉक मीडिया पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस दी गई हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाले वीडियोज़ को यूज़ करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो हमारी स्क्रीन पर ऐड हो चुकी है। तो ये वीडियो हमारी टाइमलाइन पर ऐड हो चुकी है, इसको हम प्ले करके देखते हैं। उसके बाद आपको टाइटल्स के बटन पर क्लिक करना है और यहां से प्लेन टेक्स्ट को ऐड करना है। इस पर डबल क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। टाइटल्स में आ जाएं और यहां पर नाम लिख दें आप जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन्फो उर्दू। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है ट्रांजिशंस में। यहां से आपने स्टार्टिंग में पिक्सल इन को ऐड कर देना है और फिर पिक्सल आउट। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं आपको, तो ये इस तरह से प्ले होगा। इसके बाद अगर आप लोग इसमें इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, ग्लिच इफेक्ट, यहां इफेक्ट्स वाले बटन पर क्लिक करें और यहां पर सर्च करें ग्लिच इफेक्ट और एंटर कर दे, तो यहाँ पर काफी ज्यादा ग्लिच इफेक्ट आ जाएंगे। आप जो भी प्ले करना चाहते हैं उस पर प्लस के बटन पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ। मैं इसके स्टार्टिंग में ग्लिच इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पिता हूँ। अगर मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो इसका ड्यूरेशन को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहां पे मूव करता हूं और अब आपको प्ले करके दिखाता हूं, अगर आपको लगे ये ग्लिच इफेक्ट ज्यादा है, आप इसका ड्यूरेशन को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, यहां एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें, यहां से फाइल नेम को चूज करें और इसको एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें, तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन तो पूछिए। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।